हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल मार्केट के बारे में, मार्केट के हालचाल के बारे में। अगर आप देखें तो मार्केट की जो स्थिति है वो आज भी आपको शुरुआत में दिखाई दे रही थी थोड़ी सी गड़बड़, मतलब उतार चढ़ाव वाली स्थिति नजर आ रही थी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में मार्केट भी सुधरा, तेजी भी बनी एंड आखिरी घंटे में या फिर मैं बोलूँ आखिरी 15-20 मिनट में एक बढ़िया वाली स्पाइक आपको जो है निफ्टी 50 में नजर आई। ये स्पाइक आपको सोमवार को फिर से नजर आएगी, तेजी नजर आएगी या नहीं वो तो हम देखेंगे। देखो आपके सामने है, देख पा रहे हैं आप, लास्ट के समय पर एक तेजी, अच्छी खासी तेजी जो है आपको बनते हुए नजर आई निफ्टी में। लेकिन ये तेजी के चांसेस जो है वो कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं कि ये सोमवार के दिन भी आपको इसी तरीके की तेजी दिखाई दे सकती है। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकन मार्केट की सिचुएशन किस तरीके की नज़र आ रही है उसके बारे में बात करेंगे एंड साथ में बात करेंगे वो शेयर्स जो आपको बढ़िया वाली तेजी मार्केट में सोमवार के दिन दिखा सकते हैं उसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली आपको सबसे पहले डाउ जोन्स दिखाना चाहूँगा। डाउ जोन्स अभी अगर हम देखें तो कम्प्लीटली आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है, कुछ भी तेजी नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल भी मंदी भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। अगर देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें एंड देखें डाउ जोन्स के बाद कि नैस्डैक में क्या सिचुएशन बनी नज़र आ रही है, तो आप देख पा रहे हैं कि नैस्डैक में आपको तेजी नज़र आ रही है। हालांकि ये तेजी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल सी तेजी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट गिरावट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ भारतीय स्टॉक्स अगर हम देख लें, जैसे कि इन्फोसिस देख लें, इन्फोसिस अगर हम देखेंगे तो थोड़ी बहुत तेजी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत। वहीं अगर हम विप्रो की बात करें तो विप्रो में भी आप देखिए थोड़ी सी गिरावट नज़र आ रही है एंड लास्ट में HDFC बैंक अगर हम देखें तो HDFC बैंक फ्लैट नज़र आ रहा है। सॉरी, ये इन्फोसिस लग गया आपके सामने, HDFC बैंक लगाता हूँ, ये दिखाई दे रहा है आपको भयंकर गिरावट। आज HDFC बैंक में भारत में गिरावट रही तो उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल तो ये बंद ही था, कल अमेरिकन मार्केट बंद था, तो उसका रिफ्लेक्शन आज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपने देखा। लेकिन अब हम चलेंगे दोस्तों एक खबर के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको जो न्यूज़ लेकर आऊँगा, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्यूज़ आई है, मैं वो दिखाता हूँ। ये देखो, एमिट सर्ज इन स्टॉक मार्केट CGI चंद्रचूड़ एडवाइज टू SEBI एंड SET। यहाँ अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि मार्केट जिस स्पीड से ऊपर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, जिस तेजी से मार्केट जो ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पक्ष रखा है और उन्होंने SEBI एंड SET को एडवाइस दी है। सबसे पहले SEBI के बारे में सब जानते हैं, SET के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। SET क्या होता है कि जब SEBI कोई फैसला लेता है तो उसे SET में चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ही मान के चलिए शेयर मार्केट वालों का, ठीक है। एक तरीके से कोर्ट है जहाँ पर शेयर मार्केट से रिलेटेड केस सुने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड केस सुने जाते हैं। ये देखो, एड्रेसिंग द गैदरिंग CGI चंद्रचूड़ स्ट्रेस्ड द रोबस्ट लीगल प्रोटेक्शन एंड इफेक्टिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन मैकेनिज्म आर क्रूशियल फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक आउटकम सच एज कैपिटल फॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन। एंड आगे अगर हम बोले, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ आज द मतलब SEBI एंड SET टू एक्सरसाइज कॉशन एंड स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर द स्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड सोरिंग मार्केट माइलस्टोन। तो यहाँ अगर हम देखें तो चंद्रचूड़ का कहना है, CGI चंद्रचूड़ का कहना है कि मार्केट तो डेली बेसिस पर आपको भागता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मार्केट के रेगुलेशन के लिए कुछ स्टेप जो है उठाना अभी और बाकी है। यही कहा गया है CGI की तरफ से कि यहाँ पर कुछ और ऐसे स्टेप्स SEBI को SET को उठाने चाहिए जिससे मार्केट ना थोड़ा सा और स्टेबल हो जाए। यहाँ से जिन लोगों को टेंशन है मार्केट में या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि क्लैरिटी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको मार्केट में देखने को मिले, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए स्पेशली, ये भी आपको चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, तो इस तरीके की चीज़ें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों ओवरऑल इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया है CGI की तरफ से उसके बारे में।
अब मैं आपको लेकर चलता हूँ शेयर्स के ऊपर। सबसे पहले अगर हम देखें तो आर्मिनल दिखाई देता है दोस्तों, जो ऑर्डर मिलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, लगातार जारी है ऑर्डर। अगर हम देखेंगे, मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि जिस तरीके के ऑर्डर्स आपको देखने को मिल रहे हैं आर्मिनल के लिए देखने को मिल रहे हैं, लगातार जो है ऑर्डर आर्मिनल को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि ये ऑर्डर मिलने का सिलसिला अभी जारी ही है एंड आगे भी चांसेस यही है कि अभी ये ऑर्डर मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। तो तेजी का भी सिलसिला जो है अभी उम्मीद है ऐसा ही लग रहा है कि जारी ही रहेंगी, अभी ये तेजी इसी तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी, चांसेस हैं। एंड रेलवे में IRFC पर भी ध्यान देना चाहिए। आज आर्मिनल तो फिर भी 18% बढ़ गया, 18-19%, लेकिन ये पर्टिकुलर काउंटर सिर्फ 5-6% ही बढ़ा है। तो चांसेस हैं कि सोमवार को जब मार्केट ओपन हो तो आपको यहाँ पर एक बढ़िया तेजी जो है देखने को मिले, इसलिए आपको यहाँ डेफिनेटली जो है अपनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको आगे लेकर चलूँ कुछ और शेयर्स के ऊपर, डिफेंस वगैरह तो दोस्तों आप लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है NTPC पर आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ चुकी है कि सेप्टेम्बर में इनका जो IPO है NTPC ग्रीन एनर्जी वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके की खबरें जो हैं वो फाइनली आ चुकी हैं फिलहाल, तो जब IPO आता हुआ दिखाई देगा तो उसका फायदा इस शेयर को पड़ सकता है, तो इस पर नज़र आप ज़रूर बनाकर रखें, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा सा और आगे चल कर देखें तो दोस्तों बजाज फाइनेंस पर आप ज़रूर नज़र रखें। बजाज फाइनेंस की बात करें तो शेयर खान ने 9,000 रुपये के टारगेट जो है इस पर दिए हैं, 9,000 रुपये के टारगेट जो है इस पर निकल कर आए, तो डेफिनेटली अच्छे टारगेट हैं, उसका असर पड़ सकता है। आगे अगर बढ़े तो नज़ारा टेक्नोलॉजी भी आप देख के चलें, क्योंकि ICICI सिक्योरिटी ने 1,080 रुपये के टारगेट नज़ारा पर भी दे रखे हैं, तो इस पर भी जो है आपको नज़र रहनी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक और शेयर जो डेली ही भाग रहा है, नाम है रेमंड। रेमंड डेफिनेटली एक ज़रूर देखने वाला शेयर है डेफिनेटली, क्योंकि इस पर भी उम्मीदें बहुत हैं। एक तो चल बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन यहाँ पर डीमर्जर की खबरें हैं, डीमर्जर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, तो उसकी वजह से ये शेयर फोकस में है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई कम्प्लीटली इन सभी शेयर्स के बारे में, उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।